बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे विजुअल बेसिक के ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ चुके हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि स्पेशल के इसका मैं एक ट्यूटोरियल प्रोग्राम बनाऊं इस प्रोग्राम के लिए भी। तो आइए हम उनकी फरमाइश को पूरा करते हैं, उसकी कोडिंग को डिफरेंट वे से डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहली बात है कि इसके अंदर कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल द रेक्टेंगल्स मल्टीपल multiplied by its width. The write the program that ask the length and the width. आपसे length और width को demand किया जाएगा and two rectangles. Thus the program should tells the user with the rectangles has the greater area or if the area are the same. ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे वो आपसे कहता है कि आपके पास एरिया ऑफ रिक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रिक्टेंगल क्या होता है, आप पहले इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। वहाँ पे हम खुद बता रहा है यहाँ पे कि एरिया जो है वो किसके बराबर, एरिया इज इक्वल टू विथ मल्टीप्लाई बाय LENGHT लेंथ। स्टूडेंट्स, ये उसने हमें टारगेट दिया कि जो हमारा एरिया है वो किसके इक्विवेलेंट है। जी मैं थोड़ा सा सेट कर दूँ इस वैल्यू को। एरिया इज इक्वल टू विथ इन टू लेंथ, इसका मतलब हमारे पास टू रिक्टेंगल्स है ना, हम इसका मतलब हमारे पास जो विथ भी टू होंगी और लेंथ होंगी, आप चाहें तो इसको किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, हम इसको ईजिएस्ट वे से सोल्व करने का मेथड देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको आपके लिए जूम इन करूँ। देखिए डीम, आप लोगों ने सबसे पहले A1 इज द फर्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल, A2 इज द सेकेंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको आप लोग सिंपल A कह देते हैं, और एक A1 और A2 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल्स हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको एज ए इंटीजर कर दें, आप बहुत लंबी ज़्यादा लंबी वैल्यू को पास ना करें, एज इंटीजर कर दें। इसी तरह आप लोग यहाँ पे डिम W1 W2 एज इंटीजर। नाउ यू डिफाइन द लेंथ L1 L2 एज इंटीजर। अगर आप चाहें तो L1 को थोड़ा कैपिटल लिख लें ताकि डिफ्रेंसिएशन हो सके, क्योंकि इस तरह वो पढ़ा नहीं जाता। ये आप लोगों ने क्या किया बेटा, यहाँ पे आपने वेरिएबल्स को डिफाइन कर दिया A1 और A2, आपके पास टू एरियाज आ गए। ओके, अब आप लोगों ने डेफिनेटली आपको वैल्यू ऑफ विड्थ और लेंथ चाहिए। यू विल डिफाइन हियर, आप यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, अब पहले विड्थ W1 के लिए W1 इज इक्वल टू वेल इनपुट बॉक्स एंटर द विड्थ। आपने विड्थ W1 की विड्थ को एंटर किया, फिर आप कहते हैं W2 इज इक्वल टू वेल यू एंटर इनपुट बॉक्स एंटर द विड्थ नंबर 2। नाउ यू एंटर द लेंथ L1 इज इक्वल टू वेल इनपुट बॉक्स एंटर द लेंथ, इसे L1 कहते हैं। इस तरह आप यहां पे L2 इज इक्वल टू वेल इनपुट बॉक्स एंटर द लेंथ L2। तो आपने यहाँ पे अपने इनपुट की जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट कर। नाउ वी फाइंड द एरिया। एरिया कैसे फाइंड होता है जी, आपका A1 इज इक्वल टू, आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, चलो रहने दे। आप कहते हैं यहाँ पे W1 मल्टीप्लाई बाय L1, इसका मतलब आपने यहाँ पे A1 फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे A2 फाइंड कैसे होगा, A2 इज इक्वल टू विड्थ टू मल्टीप्लाई बाय L2।
या आपने आपके पास आप यहाँ पे गौर करें तो आपके पास ए एरिया वन और एरिया टू कंप्यूट हो गया, इनके एरिया वन की वैल्यू भी आ गई और एरिया टू की भी आ गई। अगर आप इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करना चाहते तो एरिया कंप्लीट कर दें, एरिया वन कर दें, इसको हम एरिया टू कर देते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे भी जाके आप इसको एरिया वन और इसको भी एरिया टू कह दें, थोड़ा सा आप लोगों को हेल्प होगा अंडरस्टैंड करने में। एरिया वन और एरिया टू कंप्यूट कर लिया गया। अब हमने चेक करना है कि एरिया वन बड़ा है या एरिया टू बड़ा है या दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो इसके लिए क्या लगाना है आपने, इफ, बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम, नो डिफिकल्टीज, किसी किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने कहना ए आपका एरिया वन इज ग्रेटर देन एरिया टू, देन यू विल राइट हियर प्रिंट द एरिया ऑफ फर्स्ट रिक्टेंगल, आई थिंक सो कि रिक्टेंगल है वर्ड जो है वो रिक्टेंगल, एरिया ऑफ फर्स्ट रिक्टेंगल इज ग्रेटर फ्रॉम एरिया टू से। ठीक है स्टूडेंट, ये जस्ट एक आपने मैसेज दे दिया यहाँ पे, अब इसे कॉपी कर ले ताकि हमारे नेक्स्ट में भी हमारा टाइम सेफ हो सके। अब यहाँ पे एल्स इफ, अब इसको रिवर्स कर दें। अब रिवर्स कैसे होगा, आपने कहना ए टू, सॉरी आपने कहना एरिया वन इज लेस देन फ्रॉम एरिया टू देन, सॉरी देन आपने क्या करना है, इसको यहाँ प्रिंट करवा दे कि फर्स्ट सेकंड रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन फ्रॉम एरिया ट्राइंगल वन। अब जो वन है वो टू से, जो टू है वो वन से बड़ी है। एल्स में क्या आएगा, एल्स आप चाहे तो बराबर का सिंबल दे के चले या डायरेक्ट आप उसको फाइंडिंग दे दें, अदरवाइज प्रिंट हो जाए एरिया ऑफ बोथ रिक्टेंगल्स आर इक्वल। बस सिंपल सा प्रोग्राम था स्टूडेंट ये, यहाँ पे आपने करना है एंड इफ, ये नहीं, हमारी जो फाइंडिंग थी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। हम इसको रन करके देखते हैं, हम इसको रन करते हैं जी। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे आप सबसे पहले विड्थ एंटर करें जी, आपने विड्थ एंटर कर दी 7, फिर आपने विड्थ नंबर 2 9 एंटर कर दी, फिर आपने लेंथ 6 एंटर की और फिर आपने 3। अब आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन फ्रॉम एरिया 2। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हमारे सामने में पता नहीं कि एरिया 1 क्या आया, एरिया 2 क्या आया, तो आप थोड़ा सा अगर इसमें एफर्ट करें, आप प्रिंट करवा लें, प्रिंट एरिया फर्स्ट रिक्टेंगल एरिया इज इक्वल टू, वैल्यू कहाँ से आएगी जी, एरिया वन से, इधर करा ले आप प्रिंट सेकंड रेक्टेंगल एरिया इज इक्वल टू वैल्यू कम फ्रॉम एरिया टू से। इसका मतलब यहाँ पे आपने अपनी नीड पूरी कर ली कि हम अगर वैल्यू गेट करेंगे तो हमें ज़्यादा फाइंडिंग होगी, हमने यहाँ पे हमारा एरिया वन लार्जर है या एरिया टू लार्जर है, उसको रन करके देखते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने एज पर रूटीन यहाँ पे विड्थ एंटर की, हाइट एंटर की, और अब ये देखें आपके पास फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया 280 है स्क्वायर और सेकंड का 216 है, तो एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन फ्रॉम एरिया टू। ये हमारा बेटा फाइंडिंग था, बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है, इसके अंदर कोई डिफिकल्टी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो जब चाहे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं मुझे आप, और डिफरेंट
सोर्सेज से आप मुझसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।